अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी लेक्चर ऑफ क्लास 9। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटीपी, द सेल्स एनर्जी करेंसी फ्रॉम द यूनिट नंबर 7, दैट इज बायोएनर्जेटिक्स। इस टॉपिक को हम फॉलोइंग हेडिंग्स के अंदर स्टडी करेंगे, डिस्कवरी ऑफ एटीपी, फंक्शंस ऑफ एटीपी, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी टू रिलीज एनर्जी, एंड लास्ट वन इज एडीपी एटीपी साइकिल। स्टूडेंट्स, एटीपी को सेल एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं? बिकॉज एटीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग एनर्जी इन द सेल टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। एटीपी इज आल्सो नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ all cell in this nucleotide. Next is discovery. Carol Lohmann वो scientist था जिसने 1929 में ATP को discover किया. Fritz Lippmann, he was awarded by Nobel Prize as in 1941. He proposed that ATP is the main energy transfer molecule in the cell. नेक्स्ट देखते हैं सेलुलर फंक्शंस ऑफ एटीपी। स्टूडेंट्स, एटीपी की वजह से सेल अपने मेजर फंक्शन करवा रहा होता है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द सेल के जो फंक्शंस होते हैं वो एटीपी की वजह से ही हो रहे होते हैं। इट इज़ द मेन एनर्जी सोर्स फॉर सेलुलर फंक्शंस लाइक सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। स्टूडेंट्स, एटीपी सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल के साथ साथ इन सब फंक्शंस का रिस्पॉन्सिबल भी है। मैक्रोमोलिक्यूल लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टूवर्ड हायर कंसेंट्रेशन। स्टूडेंट्स, जब मोलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, एनर्जी रिक्वायर होती है और ये एनर्जी एटीपी प्रोवाइड करता है। मूवमेंट में जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो भी एटीपी से मिलती है। स्टूडेंट्स, जब ब्रेन मैसेजेस सेंड करता है या ट्रांसफ़र करता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सिस, जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो भी एटीपी प्रोवाइड करता है। इसी तरह एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो भी एटीपी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। एटीपी की एनर्जी स्टोर और एनर्जी ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से होती है। अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट, एडेनिन, राइबोस, 3 फॉस्फेट ग्रुप। एडेनिन आ डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस, जैसे कि इस डायग्राम में डबल रिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस को देखा जा सकता है। राइबोस आ 5 कार्बन शुगर। एटीपी के स्ट्रक्चर में सेकंड सब यूनिट राइबोस है। इट्स अ पेंटोज शुगर दैट इज मेड अप ऑफ 5 कार्बन। राइबोस शुगर के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, एक लीनियर चेन की शक्ल में डायग्राम में देखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? देयर आर 2 टर्म, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। स्टूडेंट्स, देखते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है। जब नाइट्रोजनस बेस राइबोस शुगर के साथ कंबाइन होती है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। बेटा, आप डायग्राम में देख सकते हैं नाइट्रोजनस बेस राइबोस के साथ अटैच होके जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, ये भी आप डायग्राम में देख सकते हैं। न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया है तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल बन गया है। नेक्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड इन एटीपी। कोवेलेंट बॉन्ड कनेक्टिंग टू फॉस्फेट,
It is indicated by a tilt. It's a high energy bond. When it breaks, it releases 7.3 kilocalories per mole of ATP and inorganic phosphate gets separated from ATP. Students, ATP के structure में 3 phosphate group linear form में attach होते हैं. Covalent bond 2 phosphate group को आपस में attach करता है, जो कि आप diagram में देख सकते हैं. It is a high energy bond. जैसे ही ये covalent bond break होता है तो energy release होती है और inorganic phosphate ATP से separate हो जाता है. इस एक बॉन्ड के ब्रेक होने से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल. इसी तरह जब सेकंड बॉन्ड ब्रेक होगा तब भी जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल. स्टूडेंट्स, जब एक फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट हो जाएगा तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में. ADP mean adenosine diphosphate. Diphosphate में 2 phosphate group present होते हैं. इसी तरह जब दूसरा phosphate भी remove हो जाएगा तो ADP convert हो जाएगा AMP में. AMP mean adenosine monophosphate. Student ये देख सकते हैं एक ATP का molecule है जिसमें एडिनोसिन राइबोस के साथ अटैच है और राइबोस 3 फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है. 3 फॉस्फेट ग्रुप लीनियर फॉर्म में हैं, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं. जब 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे तो एटीपी का मॉलिक्यूल बनता है. एटीपी मीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. बेटा जब यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट हो जाएगा, 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे तो इसको कहेंगे एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. इसी तरह जब 2 फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट हो जाएंगे और एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो इसको कहेंगे एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. स्टूडेंट्स, ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी टू एडीपी को हम एक इक्वेशन की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं. इक्वेशन में आप देख सकते हैं एटीपी जब रिएक्ट करेगी वाटर के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और एक फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट हो जाएगा तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में. जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल. ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये एटीपी का मॉलिक्यूल है जिसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं. जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा और एक फॉस्फेट जो है वो सेपरेट हो जाएगा. रिजल्टेंट प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं, दैट इज एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. नेक्स्ट इज ब्रेकडाउन ऑफ एडीपी टू एएमपी. इसी तरह स्टूडेंट्स, एडीपी जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और एक और फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट हो जाएगा तो एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा एएमपी में. एएमपी मीन मोनोफॉस्फेट. तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल. नेक्स्ट इज एडीपी एटीपी साइकिल. स्टूडेंट्स, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है. इसी तरह एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है और ये एक साइकिल चलता रहता है. जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल. इसी तरह जब एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होगा, यानी जब एडीपी में एक फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाएगा तो एनर्जी कंज्यूम होगी जो कि 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल होगी. स्टूडेंट्स, जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और जब एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी कंज्यूम होती है और ये साइकिल चलता रहता है. दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एटीपी.
होप सो यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ATP. अल्लाह हाफिज़.